मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। ये सब भूल जाती है, अजीब अजीब बातें करती है, कहती है मेरी उनसे शादी हुई है। दादी की इतनी तबीयत खराब है, हम कैसे शादी कर सकते हैं? आप शादी आगे बढ़ा दें। सोचे, मम्मी ने तो कभी उसको दादी बन के लाड नहीं किया, लेकिन उसे देखें कितना बड़ा दिल है उसका, कितना प्यार करती है अपनी दादी से। जब घर में ऐसे कोई बुजुर्ग हो जिनकी हालत जो है वो ठीक ना हो, तो आपको शादी में देर नहीं बल्कि जल्दी करनी चाहिए, ताकि वो भी शादी में शरीक हो सके। मैं भाई से बात करूंगा कि वो आपके पेरेंट्स से बात करके डेट्स जो है जल्दी करवाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत, इतनी देर कर दी ऑफिस आते हो? जी भाई, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं पे मिल गए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो, खैरियत तो है भाई? मैं ज़ारा की वजह से कुछ परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? बहुत अच्छी लड़की है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी शादी ज़ारा से हो रही है। भाई वो बहुत अजीबोगरीब बातें करती है। मेरे ख्याल से तो बहुत माकूल और समझदारी की बातें करती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, कोई बात हुई है? भाई एक तो वो मेरे साथ गई और सारा वक्त खामोश रही, मैं ही बोल रहा था। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया होगा। भाई आप ये कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ हूँ। एनीवेज भाई वो शादी को डिले करने का कह रही है, हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों, वैसा क्यों कह रहे थे? भाई वो अपनी दादी की वजह से परेशान है, उनकी कुछ तबीयत खराब है। हाँ तो आई थिंक ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसमें बुरी बात कौन सी है? पर भाई मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि मैं इस इवेंट के लिए दोबारा वो सब करूँ जो कुछ मैं कर चुका हूँ। आशा मैं एक बात बताऊँ, तुम इतने ज्यादा मेटलिस्टिक क्यों? भाई आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं, आप हमेशा की तरह सिर्फ उसी की तरफदारी करेंगे। Because she belongs to your in-laws family. हाँ, in-laws जरूर हैं। वो भी मेरा घर है। उनकी खुशी हमारी खुशी है। अब तुम्हारा भी अहम रिश्ता बनने जा रहा है। हाशिम समझदारी से काम लो। भाई आप नहीं समझेंगे। मुझे भाभी से बात करनी होगी। क्या नहीं समझूंगा? ऐसी आखिर कौन सी बात है जिसे करने के लिए मेरे देवर जी ने मुझे याद किया? अच्छा वो भाभी आप आ गई, भाई तो समझने ही नहीं वाले। भाभी मैं शादी डिले नहीं कर सकता। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम शादी डिले करो, और वैसे भी मेरे सारे सूट्स अब ऑलमोस्ट रेडी हैं। आपकी भतीजी ज़ारा। What? मैं अभी ज़ारा को कॉल करती हूँ। कोई जरूरत नहीं, ज़ारा को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, वो पहले से टेंशन है, उसको और तंग मत करो प्लीज। कामरान क्या बात कर रहे हैं आपने हाशिम की बात सुनी कि वो क्या कह रहा है? तो और मैं इतनी देर से कर क्या रहा हूँ, मुसलसल इसी की तो सुन रहा हूँ। अच्छा, यानी आपको कोई टेंशन नहीं है इस बात की? किस बात की टेंशन? ज़ारा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अगर मम्मी की तबीयत खराब है, अगर वो कुछ दिन के लिए शादी आगे बढ़ाना चाहती है, तो इसमें हर चीज क्या है? बहुत बड़े मसले खड़े हो जाएंगे कामरान। किसी की प्रॉब्लम हो या ना हो, तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तुमने जो इतने सारे ड्रेसेस बना लिए ना शादी के लिए, वो अगर शादी डिले हो गई तो सब ओल्ड फैशन जाएंगे, है ना? यही तुम्हारी बेसिक प्रॉब्लम है। और ये जना, इनके पास तो वक्त ही नहीं है, घर या घर वाले क्या होते हैं इन्हें क्या पता, इनके पास तो हमारे लिए कोई वक्त नहीं। बिला वजह बात को आगे बढ़ाते हैं। शादी टाइम पर ही होनी चाहिए, जो तय हुआ वही ठीक है भाई। बहुत अफसोस की बात, तुम दोनों नहायत ही खुदगर्ज लोग, कोई जिए या मरे तुम दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को अगर तुम्हें किसी की जरूरत पड़े तो कोई तुम्हारी आवाज सुनने वाला भी ना हो।
मुझे तो समझ नहीं आता हाशिम की कामरान को आखिर हो क्या गया है, कैसी बातें कर रहे हैं ये। भाभी आप भाई को समझा दीजिएगा, मैं तो सोने जा रहा हूँ। मुझे याद आया, जारा तुमने हाशिम से क्या कहा बेटा? हाँ क्या मैंने क्या कहा? ये तो पहले छोड़ो, तुमने उसे कहा कि दादी की तबीयत बहुत खराब है और दादी के कुछ ही दिन रह गए और शादी हम जल्दी कर ले। हाय हाय ये बेचैनियाँ, ये मोहब्बतें। शट अप, कर दे मम्मा कर दे, मेरी डांस प्रैक्टिस तो पक्की। बेटा तुम परेशान मत हो, दादी की ट्रीटमेंट चल रही है, वो ठीक हो जाएंगी। मेरी जान कितनी मोहब्बत करती हो, तुम्हें तो पता है छोटी छोटी बातों पे दादी शोर मचाने लग जाती हैं। बट यू डोंट वरी, शी विल बी ऑल राइट। दादी को क्या खबर कि पोती उनसे कितनी मोहब्बत करती है। उन्होंने तुम दोनों को तो बिल्कुल ही कोई लिफ्ट नहीं कराई थी, बस आतिफ को गोद में लिए घूमती थी। जो फर्क उन्होंने अपने बेटों में रखा वही उन्होंने पोता पोतियों में रखा। खैर अच्छा छोड़ो, अच्छा तुम परेशान मत हो, जुबैर ने हाशिम से बात कर ली है, तुम्हारा निकाह चांद रात पर ही होगा, इतने सही वक्त पर। नादिया चैनल तो बदलो बेटा, चांद नजर आएगा आज। मम्मा अभी कहाँ आएगा, अभी तो दिन है। ला इतने काम बाकी पड़े हैं और कल से रमजान शुरू हो रहा है, मुझे तो इतनी सख्त घबराहट हो रही है। अच्छा उठो चलो मेरे साथ, जाके रमजान की शॉपिंग भी करनी है, आ जाओ चलो। नादिया आ जाओ। आ रही हूँ मामा। ये मेल चेक कर ली थी आपने? मेल चेक कर ली थी? गुड। वाकई में जूबी कॉफी तो आपने कमाल की बनाई है। थैंक यू। मिस जूबी के हाथों में जादू है, तुम्हें याद है तो मैंने कॉफी बनाई थी वो ऐसे सीख ली। वेरी गुड। वाह कॉफी एंजॉय हो रही है, और ये है जूबी साहिबा। पॉपी प्लीज मेरे ऑफिस से कुछ ख्याल कर दो। ख्याल करूं? ख्याल करूं? क्यों करूं ख्याल? भाभी आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जो कुछ नजर आ रहा है ना वो गलत फहमी नहीं है, और काश मुझे ये गलत फहमी पहले ही हो जाती। देखिए मैम मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना, मुलाजमा हो मुलाजमा बन के रहो। और मुझे बताओ क्या रान है तुम्हारे, क्या प्लानिंग कर आई हो तुम यहाँ पे, क्या करना चाहती हो? पॉपी प्लीज, और वैसे भी तुम्हें फोन करके आना चाहिए था, दिस इज ऑफिस। अच्छा कॉल कर आना चाहिए था? अगर मैं कॉल कर आती तो ये सब कुछ कैसे पता चलता मुझे? बस बहुत हो गया सर, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है कि तुम खुद जा रही हो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालती। बहुत अफसोस है, तुमने बिला वजह उसका दिल दुखाया, बहुत बुरा किया तुमने। बुरा? आई थिंक मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं यहाँ पर आ गई, अगर मैं आती नहीं तो कैसे मुझे ये सब पता चलता। और आपका तो मैं अभी लिहाज कर रही हूँ आपके ऑफिस की वजह से, आप जरा घर आए मैं आपसे बात करती हूँ। फ्लोरा खादिम हुसैन शाम तक पहुंच जाएगा, वो आपकी हेल्प करेगा। आपने डैडी का बीपी चेक किया सो नाश्ते से पहले और बाद? यस सर। गुड, रोजाना आपने चेक करना है और मुझे रिपोर्ट देनी है। सर वो आज डैडी का बीपी कुछ लो था, वो सुबह से खामोश थे और सुस्त भी। कितना लो था? मामूली अप एंड डाउन तो इस एज में हो जाता है। वैसे आप दोबारा चेक कीजिएगा और डॉक्टर को बताइएगा और मुझे भी, और अगर मैं मीटिंग में हूं तो मेरी सेक्रेटरी को जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? सर वो मम्मी आई मीन मैडम आपसे बहुत जिद कर रही थी मिलने के लिए, वो मुझे डांटती हैं और गुस्सा करती हैं, कहती हैं कि मैं आपको बुला के ले आऊं, उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी है।
और फोर्थ फ्लोर आप। मम्मी को तो इश्यूज हैं, आप तो ठीक है ना? आप क्यों ये टेंशन मुझ तक पहुंचाती हैं? क्या बात जरूरी होगी उन्हें मुझसे कहने के लिए? आप तो जानती हैं उनकी जिद्दों को। अब इस वक्त मेरे पास एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहां जाना है। इस वक्त मैं उनके पास चला गया तो एक घंटे तक नहीं उठ सकता हूं। आप प्लीज उन्हें देखें। यस। देख के नहीं चल सकते? मुझे तो नजर आ रहा है, लगता है तुम काबू में नहीं हो। क्या मतलब है? मतलब वो कहता ना, बेनत है बेल की तरह पूरे घर में घूमती फिर रही हो। तुमने मुझे जानवर से मिलाया? नहीं नहीं, जिसकी चाहे कसम ले लो, मैंने जानवर से नहीं मिलाया। ये तेरा मुंह क्यों सुझाव है? क्या हुआ है? बाले की वजह से। ये ईद का एक सूट खरीद के गया, बाले को बोला के सिलवा दे, साफ मना कर दिया, दोस्ती का भी लिहाज नहीं किया उसने। आए मेरे बाले, बेचारे के पास इतना काम है, बेचारा किस किस का काम करेगा? कितना काम है, एक सूट सिलवाने से क्या उसकी मशीन घिस जाएगी? एक काम करो, बारिश कर दो। मैं? हाँ हाँ। बाला पहले ही मुझ पे बहुत गुस्सा है। एक ट्राई कर दो, हो जाए तो अच्छे, बार सबने मना कर दिया। देखती हूँ, पर देख के चल नागनी बा। शरारा 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 मस्ती नहीं होगा। अब पुपी एक काम करते ना, हम लोग एक काम करते, आप अपने हस्बैंड के साथ ना कपल डांस कर लें, आजकल बड़ा फैशन चल रहा है उसका। व्हाट? हस्बैंड के साथ कपल डांस बना लें? कामरान के पास टाइम होता है तुम्हारे ख्याल में? और अगर डांस करवाना ही है तो मुझसे कोई अच्छी सी सोलो परफॉर्मेंस करवाओ। वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि मेरा तो लहंगा है, मैं लहंगे में कैसे करूंगी डांस? अरे कैसे नहीं होगा, जीश गोल्डन मर गया क्या? हल्का ना लें, मैं आपको ऐसा डांस फील कराऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने लहंगा पहना है कि नहीं। वैसे भी मेरे गुरुजी कहते हैं कि रक्स ऐसा होना चाहिए कि लिबास और जिस्म एक हो जाए। लेकिन नहीं, मैं नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं होगा, सॉरी। अच्छा फिर आप ना रूखी भाभी से सिफारिश करें कि हमें रोजों में ना डांस रिहर्सल करने दें, अफतारी के बाद कर लेंगे ना, इस तरह सबके डांस भी तैयार हो जाएंगे। जीश, रुखी ताई जान से मार देंगी तुम्हें, ऐसा सोचना भी मत। ओ दुल्हनिया, ओ दुल्हनिया, दुल्हनिया तुम सिफारिश कर दो ना, तुम्हारी तो सब बात मानेंगे। ठीक है, तो बताएं अपनी आखिरी ख्वाहिश। जीश, भूल जाओ कि रुखी भाभी डांस प्रैक्टिस करने देंगी, समझ आई है कुछ? ओहो, बंदा कोई आइडिया ही लगा लेता है। आपने तो रुखा ही जवाब दे दिया, जाराबाजी की शादी के चक्कर में मैंने कोई बिजनेस भी नहीं पकड़ा और मेरा नाम भी खराब हो गया और मेरा टाइम भी। वैसे भी किसी कोरियोग्राफर को लगा के ना हटाते नहीं है, अच्छी बात नहीं होती। हाँ आइडिया, आप लोग क्यों ना बाले की टेलर शॉप पर प्रैक्टिस कर लो, व्हाट कैसा है? खबरदार अगर तुम दोनों ने ये सोचा कि तुम लोग वहां पे प्रैक्टिस करोगे, और मेरे टेलर को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, गेट इट? और अगर रुखी भाभी को जरा भी खबर हुई ना तो बस तुम लोगों की तैयारियां फिनिश्ड। अरे उसको कहां डिस्टर्बिंग होगी, जीश गोल्डन जो है, बल्कि उसका तो दिल लगा रहेगा क्योंकि जीश गोल्डन की परफॉर्मेंस होगी। कहंदे ने नैना तेरे कोल बैना, कहंदे ने नैना मेरे दिल दा तू ही चैना, कहंदे ने नैना दरड़म। बाले क्या कर रहा है? देख नहीं रही, अपने गुनाहों का अजाब झेल रहा हूँ। ओफो, बाले अपने काम को ना बुरा नहीं कहते। क्यों? बेकार में लदे हुए काम को और क्या कहूँ? बड़ा ही तू नाशुकरा हो गया है बाले। अच्छा, मैं और नाशुकरा? तू जो काम करने आई है वो यहाँ काम कर ले। कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं हो गए तेरे? जिस काम से आई है वो काम करो, यहाँ से 9 to 11 हो जा। वो अमजद बहुत परेशान है। इसका मतलब उसने तुझे अपना हिमायती बना के भेजा है सिफारिश के लिए मेरे पास? तो तू सी देना उसका सूट, खुश हो जाएगा। बड़ी फिकर है तुझे उसकी। देख, हम यहाँ सब मुलाजिम हैं,
हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना। देख पिंकी, इस मामले में ना बाला बड़ा खुदगर्ज़ है, उसे भी इनकार किया था और तुझे भी इनकार करता हूँ। तू यहाँ से चली जा और मुझे मेरा काम करने दे। हाँ हाँ चली जाऊंगी, तू भी ना इस मशीन की तरह है, बेजान, सिर्फ इशारों पे चलता है। देख बेकार की बात मुझसे मत कर, दफा हो जा यहाँ से। चली जाती हूँ, पर तमीज से बात कर, तू भी ना मेरा साहब बाप नहीं है। तू जाती है कि जुबैर तुमने खाना खा लिया? जी। आज पहली तरावी है, हमें जरा जल्दी जाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, मस्जिद के बाहर पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती। शुरू शुरू में बहुत जोश होता है ना तरावी पढ़ने का सब लोगों में। भाई आप सबको माह रमजान की ये पहली शब बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस घर में सब इबादात में रोजों में बहुत बहुत दिल लगा कर हिस्सा लेंगे। इंशाल्लाह। आमीन। चलो भाई चलो। तो आप लोग घर पर तरावी पढ़े, हम मस्जिद से होकर आते हैं। भाई देर हो जाएगी, जल्दी चल। नहीं नहीं चलते हैं, चलते। ओह टोपी तो मैं भूल ही गया। मामा आज सैरी में तुम्हें पिज्जा मंगवाऊंगी, देखिए क्या जबरदस्त डील आई हुई है। शुरू हो गई है। अच्छा तो आप यहाँ पर हैं, इसका मतलब है कि अभी तक आप मुझसे नाराज हैं। ढोल बजाओ या तुम्हारी शान में कसीदे पढ़ूं? तुम सोच भी सकती हो तुमने कितनी घटिया हरकत की? मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम पे कोई अजाब नाजिल ना हो जाए। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी यार, मैंने दिल दुखाया, मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। पर कामरान आपको पता है कि औलाद ना होने की वजह से मुझे इनसिक्योरिटीज हो जाती है। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे दूर जा रहे हैं और इसीलिए मुझसे ये गलती हो गई। फिर तो तुमने ये भी सोच लिया होगा कि कहीं मैं दूसरी शादी की प्लानिंग ना कर रहा हूं। हाँ मेरे दिमाग में ऐसी ही फजूलियात चल रही थी। बहुत अफसोस की बात है, वो भी अगर मुझे ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। और जो भी तो क्या, किसी से भी शादी कर चुका होता और तुम्हारे फरिश्तों को कानो कान खबर तक ना होती। लेकिन मैं इस घर से बहुत सिंसियर हूं और तुमसे भी, और जहां तक बात आई औलाद के, याद रखो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। आई नो कामरान, मैं आपकी सिंसेरिटी को कभी नहीं डाउट करती, बट वैसे ही मैं इनसिक्योर हो गई थी और मुझे बिल्कुल एहसास है कि मैंने गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज। कैसा प्लान किया है बेटा? आइडिया तो अच्छा है मगर क्या? मगर बाले की टेलर शॉप में छुप छुप कर डांस करना इतना अजीब लगेगा। धीरे तुम लड़कियां हो, ये कैसे मिनटों में शानदार लड़कों को फंसा देती? अजी बस कभी हुरूर नहीं किया, सब अल्लाह ताला की देन है। देख ले रुखी भाभी, आती तो अब राजी है, अब आप इसके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ के ना जारा और इसकी शादी साथ ही करा। हाँ मुझे लगता है अब यही कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो इसने काबू में आना नहीं।